हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा बैंकर्स राइट। क्या भाई, हम जो चैप्टर कवर अप कर रहे हैं इसमें बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस का, कस्टमर एंड बैंकर रिलेशनशिप, उसके अंदर हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में बैंकर्स राइट के, बैंकर के जो क्या क्या अधिकार होते हैं। अभी हमने कुछ बैंकर्स के उत्तरदायित्व यानी ऑब्लिगेशन पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, अब हम कर रहे हैं बैंकर्स के राइट, कुछ अधिकार क्या क्या हैं, जैसे उसके कुछ उत्तरदायित्व या वो बनते हैं कुछ ड्यूटीज़ बनती है, ऐसे उनके कुछ राइट्स भी बनते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट राइट है राइट ऑफ लैन, यानी कि कस्टमर ने जो लोन लिया था हमसे उसके बदले में जो चीज़ सिक्योरिटी के रूप में रखी थी, अगर वो उसको पे आउट नहीं करता उस लोन को, तो हमारे पास यानी बैंक के पास ये राइट है कि वो उसके जो चीज़ है वो उसको अपने पास रख लेगा और उसको नहीं देगा सिक्योरिटी वाली। लियान इज़ द राइट ऑफ क्रेडिटर इन पोजीशन ऑफ गुड सिक्योरिटी एनी अदर एसेट बिलोंगिंग टू डेटर टू रिटेन दैम अंटिल डेट इज़ रिपेड, जब तक पैसा दिया नहीं जाएगा तब तक अपने पास रख लिया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लैन, लैंस भी होती है, टू टाइप की होती है, पर्टिकुलर लैन और जनरल। पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर लैन गिव्स अ राइट टू रिटेन पोजेशन ओनली ऑफ दूज गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ड्यूज हैव अराइजन। भाई वो प्रॉपर्टी को रख लिया जाता है इसमें पर्टिकुलर लैन के अंदर, जिसमें जिसके रिस्पेक्ट में जो है, मतलब ये बताया गया था कि इसकी सिक्योरिटी बस यही चीज़ के रूप में सिक्योरिटी दूंगा, उसी चीज़ को जब्त किया जाता है। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज द ऑर्डिनरी लैन, इसको ऑर्डिनरी लैन बोलते हैं। इफ द बैंक हैज ऑब्टेन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी फॉर अ पर्टिकुलर डेट देन द बैंकर्स राइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर लैन। जो बैंक है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, अगर बैंक को पर्टिकुलर सिक्योरिटी मिलती है पर्टिकुलर डेट के ऊपर, तो बैंकर का सिर्फ वही राइट बनता है कि वो उसी जो प्रॉपर्टी है उस पर पर्टिकुलर लियान करे, उसी को रखता है, किसी उस पर्सन की कोई और प्रॉपर्टी के ऊपर वो नहीं करता। जनरल लियान में क्या होता है, बैंकर हैज़ अ राइट ऑफ जनरल लियान अगेंस्ट हिज बोरोअर। जनरल लियान कन्फर्स बैंक अ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ड्यूज एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूज, सारे ड्यूज के लिए, नॉट पर्टिकुलर ड्यूज के लिए। इट इज स्टैचुरी राइट ऑफ द बैंक एंड इज अवेलेबल इवन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, बट इट डज नॉट कन्फर द राइट टू प्लेज। ए जनरल लैन गिव्स द राइट्स टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी गुड्स। देखो एक तो ये होता है कि भाई ये अपने गुड्स को प्लेज नहीं कर सकता। ए जनरल लैन गिव्स द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी गुड्स इन लीगल पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर अंटिल द होल ऑफ द डेट ड्यू फ्रॉम द डेटर इज पेड। द राइट ऑफ जनरल लैन इंक्लूड्स राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट टू चेंज इंटरेस्ट, कॉमन चार्ज, इंटरेस्ट, कमीशन, इंसिडेंटल चार्जेस। देखो जो जनरल लैन होता है वो एक जो बोरोअर को दे दिया जाता है, मीन्स राइट ऑफ जनरल लैन अगेंस्ट इस बोरोअर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर जो चीज़ आपके पास रखी गई है जनरल लैन में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होएंगी, मतलब कि उसके उसको सेट ऑफ का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, उससे पैसे सेट ऑफ कर जा सकते हैं, एप्रोप्रिएशन का अधिकार मिल जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है, कमीशन है, इंसिडेंटल चार्जेस है, उस चीज़ का राइट मिलेगा बैंक को। और अगर उसके अंदर कोई बढ़ोतरी होती है एप्रोप्रिएशन, तो वो राइट भी बैंक के पास मिल जाएगा बैंक को, क्योंकि क्या है वो जनरल लैन के अगेंस्ट उस चीज़ को आपने बैंक के पास रखा है। स्पेसिफिक लियान में आप एप्रोप्रिएशन नहीं ले सकते, पर्टिकुलर लियान के अंदर जनरल लियान में ले सकते हैं। अब देखिए राइट ऑफ सेट ऑफ, अब सारे पढ़ेंगे राइट ऑफ सेट ऑफ। द बैंकर हैज़ अ राइट टू सेट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ हिज कस्टमर, कस्टमर के अकाउंट को उसके जो भी उस सिक्योरिटी को बेचने से पैसा आता है तो उसके कस्टमर के अकाउंट को सेट ऑफ कर सकता है उसे। इट इज स्टैचुरी राइट अवेलेबल टू द बैंकर टू सेट ऑफ अ डेट ऑन टू हिम बाय क्रेडिटर फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस हेल्ड इन अदर अकाउंट्स ऑफ द बोरोअर। देखो बैंक क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है बैंक। एक बैंक के अंदर आपके अलग अलग ब्रांचेस के अंदर 6 अकाउंटर्स, अगर सबके अंदर क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैंक के पास ये राइट बनता है कि उसके 6 अकाउंट को एक अकाउंट में मर्ज कर दे और उसमें जो भी क्रेडिट बैलेंस बचा है उससे वो जो भी क्रेडिट था उसका वो चुका दे, उसका पैसा चुका दे, मतलब सेट ऑफ कर दे उसके पैसे को उसमें से। आगे है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इफ इट इज़ अ राइट ऑफ द कस्टमर टू डायरेक्ट हिज बैंकर अगेंस्ट विच डेप्ट वेन मोर देन वन डेप्ट इज आउटस्टैंडिंग द पेमेंट मेड बाय हिम शुड बी अप्रोप्रिएट, जो उसके पास उसके द्वारा पेमेंट की जाएगी वो अप्रोप्रिएट होगी। इन केस नो सच डायरेक्शन इज गिवन, कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी
The bank can exercise its right of appropriation and apply in the payment of any debt. यहाँ पर बैंक जो है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन लगाएगा और अप्लाई इट इन पेमेंट ऑफ एनी डेब्ट, और अप्लाई करेगा कोई भी डेब्ट की पेमेंट के लिए, ठीक है. राइट टू चार्ज इंटरेस्ट कमीशन इंसेंटिव. बैंकर हैज़ एन इम्प्लाइड राइट टू चार्ज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एंड सोल्ड टू द कस्टमर. बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस. बैंक ने जो भी पैसा एडवांस में दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा एडवांस के ऊपर. चार्जेस फॉर नॉन यूटिलाइजेशन क्रेडिट फैसिलिटीज़, आपने अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ लिए रखी है बट उसको यूटिलाइज नहीं करी तब भी उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे. चार्जेस फॉर कमीशन एक्सचेंज इंसिडेंटल चार्जेस एक्सेट्रा, ये सारे चार्जेस के अंदर आएंगे. डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवांस बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट एट मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली. देखो बैंक जो टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो मंथली कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, सेमी एनुअली कर सकता है और एनुअली कर सकता है, ठीक है. और दूसरी पावर है, ये तो रिटेन का पावर था. दूसरी पावर है पावर टू कंबाइन डिफरेंट अकाउंट. बैंक के पास ये पावर होती है कि किसी एक कस्टमर का अपने बैंक की अलग ब्रांचेज में अलग अलग अकाउंट हो, 5-6 अकाउंट हो, तो उसको वो मर्ज कर सकता है, कंबाइन कर सकता है उस अकाउंट को. द बैंकर्स राइट टू सेट ऑफ रेफर्स टू द राइट ऑफ बैंक टू कंबाइन टू और मोर ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट हेल्ड विद दैट बैंक. उस बैंक के साथ में उसी बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए. दिस कुड इंक्लूड मर्जिंग मल्टीपल अकाउंट्स इन टू अ सिंगल अकाउंट और कंसोलिडेटेड द बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट्स. वेरियस अकाउंट्स को अपन ने मल्टीपल अकाउंट्स को मर्ज कर दिया और एक सिंगल कंसोलिडेटेड बैलेंस बना दिया वेरियस अकाउंट्स के. इन ऑर्डर टू द बैंक टू द कंबाइन अकाउंट्स देयर मस्ट बी Mutuality. It must be the same customer and the same legal entity for the bank. कस्टमर के लिए सेम, बैंक के लिए सेम कस्टमर है और सेम लीगल एंटिटी है. A customer has no right to treat two accounts as one or combine them. A customer may have many accounts in a bank. कस्टमर के पास कोई राइट नहीं होता कि टू ट्रीट टू अकाउंट्स एज वन, कि दो अकाउंट को वन के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते. कस्टमर के पास ये राइट नहीं होता. कस्टमर में हैव मैनी अकाउंट्स इन बैंक, कई सारे बैंक, एक बैंक के अंदर कई सारे अकाउंट हो सकते हैं. द बैंकर कैन अंडर हिज राइट ऑफ लियान अटैच द मनी इफ इट इज आर मार्क्ड. द बैंकर कैन अंडर हिज राइट ऑफ लियान, लियान के राइट में जो लियान है उसके रिस्पेक्ट में अटैच द मनी, मनी को अटैच कर लेते हैं. इट इज़ ईयर मार्क्ड इफ द अकाउंट अकाउंट्स आर नॉट ईयर मार्क्ड देन द बैंक हैज़ नो लियान. बैंक के पास कोई भी लियान नहीं होगा फिर. बट द बैंकर विल हैव द राइट टू सेट ऑफ. सेट ऑफ का राइट तो होगा, लियान नहीं होगा, लियान नहीं कर सकती उस चीज़ का, बट सेट ऑफ कर सकते हैं. Right to be paid. The banker has the right to receive payment of fees, charges, interest as agreed upon the terms and condition of the account or banking services provided. Bank के पास ये right होता है कि जो भी उससे related जो भी fees होगी, charges होगी, interest होगी, वो उसको accept करेगा और terms and condition apply होगी, ठीक है. Rights to enforce terms and condition. टर्म्स एंड कंडीशन को एनफोर्स किया जा सके. द बैंकर हैज़ द राइट टू एनफोर्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अकाउंट और एनी अदर एग्रीमेंट एंटर विद द कस्टमर. कोई भी अदर एग्रीमेंट होता है जो कस्टमर के साथ में एग्री किया है तो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में चलना पड़ेगा बैंक को, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कुछ बैंकर्स के कुछ राइट्स अधिकार समझे पड़े कि भाई एक बैंकर है उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, वो इसके अंदर हमने पढ़ा. जैसे कि लियान करने का, जो भी जो गुड्स हैं जो भी रखी गई है सिक्योरिटी के रूप में उसको लियान कर लो. पर्टिकुलर लियान होती है, एक जनरल लियान होती है, एक राइट ऑफ सेट ऑफ होता है. सेट ऑफ करना है अगर आपको लोन को उस बैंक की पेमेंट से तो सेट ऑफ हो जाएगी. आगे है एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, और फिर है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट कमीशन एंड इंसिडेंटल चार्जेस. ये कुछ ऐसे चार्ज और इंटरेस्ट कमीशन हो गए कि जो बैंक को, बैंक के पास राइट होता है कि जो भी इंटरेस्ट है, जो भी कमीशन है, जो इंसिडेंटल चार्ज होते हैं वो आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे. जैसे कि आपने अगर ATM सर्विसेज ली है तो आपके उसके चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे, वो बैंकर आपके साथ आपके अकाउंट में से काटेगा. ऐसे ही आप कोई SMS सेवा ले रहे हो, कुछ सेवा ले रहे हो तो आपको काटा जाएगा. ऐसे ही इंटरेस्ट है आपके, अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को.
तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो जो थी वो अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।